वंश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चलो यार, जिसके लिए बंद ठंडा था वो तुम्हारा हो चुका है, अब लेट्स गो, वी गेटिंग लेट। जल्दी है, कोई ट्रेन तो नहीं छूटी जा रही? वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, संभाल कर जाऊंगा, अच्छी से देखभाल करूंगा। तेरी बहू को सारी स्टेट दिखाकर शाम से पहले लौट आऊंगा, तू फिक्र मत करना। ओके चलता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, टेक केयर। यार एक बात बता सोनू, तुम लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हो? अब हम लोगों को देखो ना, हमारा क्या है, शर्ट पहनी, पैंट चढ़ाई, रेडी फॉर टेक, पर तुम लोग जैसे इतना टाइम ढूंढ लेते। तुम यहां से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं रवि, बहू ये क्या हालत बना रखी है? रवि कहाँ है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मार डाला। तो होश में तो है, जानती है क्या कह रही है? होश में तो है तू बच्ची? धीरेंद्र प्रताप, तू क्या समझता है पापी कि तू बच जाएगा? मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को तेरी असलियत बताऊंगी। चलिए जल्दी कीजिए, इससे पहले कि कोई और दुर्घटना हो जाए हम ये शहर ही छोड़ देंगे। चलिए जल्दी कीजिए। इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। क्या बताएं शर्मा जी, पुरखों का बसा बसाया घर उजड़ गया। आपने भरोसा भी तो बहुत किया धीरेंद्र प्रताप पर। और करती भी क्या? आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, मैं धीरेंद्र प्रताप को उसके पापों की सजा दिलवा कर रहा हूं। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। अभी आओ, दिखाई नहीं देता, राज जल्द इंसान इंसान नहीं है। क्या हो रहा है? छोड़िए आप, छोड़िए आप, छोड़िए, ये काम आपका नहीं हमारा है। अरे पुलिस रमाकांत सहाय के बेटे क्या बिगड़ेगी? छत ये रमाकांत सहाय। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर के सामने झुकना पड़ा। तुम ये शायद भूल सकते हो कि तुम रमाकांत सहाय के बेटे हो, मगर ये शहर नहीं भूल सकता। मैंने तो आपसे आपका नाम, आपका बंगला, आपकी दौलत, ये सब तो नहीं मांगा था ना? बिना मांगे मिला है ना तुम्हें, इसलिए तुम नाशुक्र हो, एहसान फामोश हो। लो भैया पैसे। हाँ बेटी, I love you, I love you। सुनो मेरी बात, सुनो, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके लिए इससे पवित्र स्थान और कोई नहीं हो सकता। मैं देवी देवताओं को हाजिर नजर मानकर कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? सुन सकोगे? हिम्मत है? मेरा ख्याल छोड़ दो, मेरा एक अतीत है, एक माजी है, किसी की विधवा हूं मैं। फरमाइए अपना जरूरी काम। मैं शादी करना चाहता हूँ। मालूम है बरखुरदार की शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। लड़की मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है डैड। छोटी सी उम्र में बेचारी विधवा हो गई। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से,
और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुझसे काजल की भीख मांग रहा हूं। लेकिन बेटा जानते हो काजल तो? जानता हूं माँ जी, लेकिन इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? पर बेटा वो मुझे काजल दे दे माँ, मैं जमाने भर की सारी खुशियां समेट कर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ बस। जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती तो मुझे अपने कोख के उजड़ जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूँ तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी मेरी माँ जी, मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अभी जिंदा है? हाँ। कहीं आपको धोखा तो नहीं हुआ? माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अगर रवि इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढने निकालूंगा। देखना पकड़ा रहा है। ए, चल बाल निकाल बाल। जख्म काफी गहरा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि एक आदमी को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। बेचारा अकेला था तो मैं भी कुछ पड़ा उसके अंदर, यू नो, जंप टप 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 जंप करके मदद की, थोड़ी सी डिशुम बिशुम हुई, और अभी अभी मैं उसको अस्पताल छोड़कर सीधा घर वापस आया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अगर सरकार की इजाजत हो तो हम आपका जन्मदिन बहुत ही ज्यादा धूमधाम धूम 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 धूमधाम से मनाना चाहेंगे। और अगर हम इजाजत ना दे तो तब भी आप मनाएंगे? जरूर मनाएंगे। अब आपका दोस्त कैसा है? काजल, सिर्फ दो दिनों में एक अजनबी इतना गहरा दोस्त बन जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। नो प्रॉब्लम, मिलवा देते हैं ना। आज शाम को पार्टी पर उन्हें भी बुलवा लेते हैं। क्या सोच रहे दोस्त? अपनी बची हुई जिंदगी का हिसाब किताब कर रहा था। तुम अब अच्छे हो गए यार, आप सब फटाफट ठीक हो जाएगा। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। आज तुम्हारी भी पत्नी का जन्मदिन है? तो मैं जरूर आऊंगा। हेलो राजा। वेलकम वेलकम। तुमने यहाँ आकर हम सब पे बहुत एहसान किया है। अरे आओ, तुमको अपनी माँ से मिलाता हूँ। आओ माँ। ये है मेरे दोस्त रवि, और रवि ये है मेरी माँ, जिनके कदमों के नीचे ही मेरी जन्नत है। Excuse me, मम्मी। रवि इधर आओ, हम तुमको अपने प्यार से मिलाते हैं, लेकिन जरा दिल थाम कर रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल, एक लफ्ज ने कितना दूर कर दिया है ना हमको। मैं तो एक बेजुबान गुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही, तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए, लेकिन मैं अंधेरे और उजाले की चौखट पर खड़ी हमेशा तुम्हें पुकारती रही।
पर मैं ठहरी औरत जात अपने बारे में कैसे फैसला कर सकती थी? हाँ, और मेरी किस्मत देखो काजल, मैं मरकर भी ना मर सका और ना जी कर जी सकता हूँ। अब तुम आए हो तो फैसला करके जाओ रवि। जो गुजर गया है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारा आज मुबारक हो। तू खुश रहे मेरी बच्ची, आबाद रहे, दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले। कुदरत के कानून को बदलने की कोशिश मत करो, तुम नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बदल सकती। अरे मैं तो गुजरा हुआ कल हूं, लेकिन तुम हो काजल का आज। कल आज मैं कभी बदल नहीं सकता। कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे चले आए? आपन तुम्हारे वास्ते धीरेंद्र प्रताप का मैसेज ला रहे। ज्यादा गर्मी दिखाने का कोई काम नहीं है, राजा और काजल अपन का कब्जा में है, समझा? राजा और काजल। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को जिंदा देखकर। रवि बेटे, तुम्हें तो सचमुच गले लगाने को दिल करता है। कहां चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? कमबख्त, मौत भी तुम्हें रास नहीं आई। काजल और राजा कहां है? मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दो। Ugh!